हम ये आलू सब्जी बनाने के लिए नहीं काट रहे हैं, तुमको इससे हम रेखा गणित बताएंगे। जानते हो, तुमको हमने पहले त्रिभुज बताया था, जी त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं बताई थी। जी आज हम त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बताएंगे कि कितना होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाकर दिखाएं। देखो, ये हमने तीली लिया, ये हमारी त्रिभुज की एक भुजा बनेगी। अब ये एक तीली है, और फिर अब हम दूसरी तीली लें, दूसरी तीली थोड़ा सा बड़ी ले लें। अब ये दो तीलियां होंगी। अब क्या किया कि इस तीली को हमने इस आलू के टुकड़े में ऐसे लगा। अब दूसरी तीली को इसी टुकड़े में फिर लगाएं। देखो ये, अब इन दोनों तीलियों से क्या बन गया? कोण। ये क्या है? कोण। अब एक भुजा ये है और ये दूसरी भुजा, और दोनों भुजाओं के बीच ये बना कोण। अब एक तीली और लिया जाए। अब एक तीली हमने और ले लिया, सीधी तीली ले, जिससे कि सीधी रेखा बन जाए। अब देखो, एक तीली ले लिया, एक आलू का टुकड़ा लिया, और इस आलू के टुकड़े को हमने इसमें लगाया। ये देखो लग गया। अब देखो कितने कोण हैं? दो कोण। दो कोण एक ये कोण बना और एक ये कोण बना, दो कोण बन गए। अब दूसरे सिरे को यहां से ऐसे मिला दो, ऐसे मिलाओ। अब ये इसको रोकने के लिए एक आलू का टुकड़ा और लगा दे। अब ये क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज ये त्रिभुज बन गया। अब इसको तुम नाम भी दे सकते हो कि ये तुम्हारा क ख ग त्रिभुज, या कह सकते हो आ बा सा, एक त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज में देखो तीन भुजाएं, बताओ कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक एक भुजा ये हुई, हाँ, दो तीन एक भुजा ये हुई, और दूसरी कौन सी हुई? ये और तीसरी भुजा कौन सी हुई? ये। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई। अब त्रिभुज के तीन कोण, तीन कोण तुम बताओ कौन कौन से त्रिभुज के कोण हैं? एक कोण, हाँ ये दो कोण, हाँ ये तीन कोण। हाँ तो त्रिभुज के तीन कोण इन्होंने बताया कि एक कोण तो हमारा ये है, और दूसरा कोण ये है, और तीसरा कोण ये। तो त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। त्रिभुज के एक कोण और दो कोण और तीन कोण, इनका जोड़ कितना होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखें? इसके लिए हम क्या करें कि जो ये त्रिभुज के नीचे की जो ये भुजा है, इसको बढ़ा दें। तो बढ़ाएंगे कैसे? तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक और तीली लगानी। तो एक और तीली लगा दें, थोड़ा छोटी कर लें इसको, इसको तोड़ लें, और इसको हमने यहां पर लगाया। अब देखो त्रिभुज की भुजा बढ़ा रहे हैं, ये देखो। अब ये त्रिभुज की भुजा बढ़ गई। कौन सी? ये जो नीचे की भुजा, जिसको हम आधार भी कह सकते हैं, तो ये आधार को हमने बढ़ा दिया ये। अब देखो तुमको एक कोण और मिला, तीन कोण तो अभी तो तुम लोगों ने देखा था। अब एक कोण तुमको और मिला, और वो कोण है ये। देखो ये इतना बड़ा कोण, यहां से यहां तक ये ऐसे कह सकते हो ये कोण बना। तो ये त्रिभुज का एक और कोण हुआ, लेकिन इस कोण को हम कहते हैं ये त्रिभुज के बाहर है, इसलिए ये त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ। कौन कौन सा कोण होता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण त्रिभुज के बाहर का कोण है।
तो ये त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ। अब फिर क्या करें कि एक तीली और लें। अब हमने एक तीली और लिया और इस तीली को हम लगा रहे हैं। अब देखो कैसे लगा रहे हैं इस तीली को, ये ऐसे लगाया तीली को। अब ऐसा करेंगे कि ये तीली इस तीली के समांतर हो, ये तीली इस तीली के समांतर। समांतर का मतलब कि इन दोनों तीलियों के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो। तो ये तीली और ये तीली समांतर है। अब ऐसा चित्र बन गया, ये तुम्हारे सामने त्रिभुज है, त्रिभुज का बहिष्कोण है और एक भुजा के हमने समांतर एक तीली लगा ली। अब ये जो तुम्हारा बहिष्कोण बना था इसके अंदर दो कोण दिखाई पड़े, एक कोण ये बना और दूसरा कोण ये। देखो एक कोण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा कोण यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों कोण इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कोण के बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं में जैसे दो रेखाएं अगर समांतर हैं, देखो हमने बना रखा है, यह एक तीली ऊपर लगी हुई है और एक तीली नीचे, ये दोनों तीलियां एक दूसरे के समांतर हैं। दिखाई पड़ रहा है समांतर जी। तो और एक तीसरी तीली इनको काट रही है जी। दो तीलियां आपस में समांतर हैं और तीसरी क्या कर रही, काट रही है। अब ऐसा काटने से क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि एक कोण, देखते जाना ठीक से देखो कि कैसे ये ऐसे आया और यहाँ से इस तरीके से, तो ये एक कोण बना जी। और ऐसे ही देखो ये यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ पर एक कोण बना, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। इनको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। हाँ, तो दो समांतर रेखाओं को जब एक दूसरी रेखा काटती है तो ऐसे एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो एक सरल रेखा ये मतलब तीली और ये एक दूसरी तीली समांतर में और ये तीली काटती है, तो फिर एक और दूसरे प्रकार का कोण, ये कोण हुआ और यहाँ पर ये कोण हुआ, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। तो अगर इस कोण को इस कोण के बराबर कहोगे, ये एक समान प्रकार का है, इसको संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। तो समांतर रेखाओं से हमने कितने प्रकार के कोण बताए? दो प्रकार के, एकांतर कोण बराबर और संगत कोण। फिर से बोलो क्या बताओगे? संगत कोण। और दो पहले वाला क्या था? एकांतर कोण। दोनों बराबर होते हैं। इतना समझ गए? अब यही चीज हम पहले वाले त्रिभुज में लगाएं। देखो अभी इसमें पहचानना पड़ेगा भाई कि कौन सा संगत कोण है और कौन सा एकांतर कोण है। अब देखो यहाँ पर ये तीली इस तीली के क्या है? समांतर है। और ये तीली इसको काट रही है, देखो ये तीली काट रही है, तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यह हुआ एकांतर कोण। कौन सा कोण हुआ? एकांतर कोण। एकांतर कोण की एक खास पहचान है, ये अंग्रेजी के जेड जैसे, जेड अक्षर देखा ने वैसे बनता है, देखो ये जेड जैसे बन गया ये, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर हुए। अब देखो इसमें संगत कोण तुमको दिखाएं। संगत कोण कौन हुआ? एक तीली ये है और एक तीली ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। और ये बड़ी सी तीली जो दिखाई पड़ रही है, ये एक सरल रेखा समझो जो इसको काट रही है। अब संगत कोण यहाँ पर, यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों संगत कोण आपस बराबर हुए। फिर जान लो ये कोण और ये कोण बराबर हुए। तो अब तो जो तुम्हारा बहिष्कोण बना था जिसको
दो कोणों में तोड़ लिया गया था। ये दोनों कोण अलग अलग त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हुए। पहला कोण ये हुआ और दूसरा कोण ये हुआ। तो बहिष्कोण त्रिभुज के अंदर सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये जो हमारा ये बहिष्कोण है, ये त्रिभुज के अंदर एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ, इन दोनों के जोड़ के बराबर हुआ। अगर ऐसा है तो जानते हो त्रिभुज के अंदर एक कोण और बचा, तो ये एक कोण ये बचा त्रिभुज का। तो अब त्रिभुज का ये कोण इस बहिष्कोण के साथ भी है और ये कोण त्रिभुज के अंदर भी है, हाँ त्रिभुज के अंदर भी है। दिखाई पड़ा त्रिभुज के अंदर कैसे एक कोण होता है त्रिभुज का, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो जो ये तीसरा कोण है वो क्या है कि बहिष्कोण के साथ है और त्रिभुज के अंदर है। तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण यहां पर मिल रहे हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण देखो तुमको दिखाई पड़ रहा है, हैं? तो तीनों अंतः कोण कौन कौन है, एक तो ये अंतः कोण हो जाएगा, दूसरा ये अंतः कोण हो जाएगा, तीसरा ये अंतः कोण। फिर जान लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। फिर से देख लो एक बार कि तुम्हारा जो ये कोण था वो इस कोण के बराबर है और ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, दो हो गए, और तीसरा ये कोण है। अब हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल जादू जैसा है ये। अब हम जानते हो क्या करना, इन आलू के टुकड़ों को निकालने जा रहे हैं और जैसे निकालेंगे वैसे तुमको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ आ रहे हैं। अब देखो आलू के टुकड़ों को हमने निकाल दिया, यहाँ से इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। अब देखो ये मिल गया और ये मिल गया, तो ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ये जो पूरा कोण बनता है ये है दो समकोण या 180 डिग्री। ये कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोण हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये, जो बराबर कर चुके हैं। तो इसलिए अब तुम लोग समझ गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश या 180 डिग्री या हम कह सकते हैं दो समकोण होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमने कितना निकाला, 180 डिग्री या 180 अंश या दो समकोण होता है। समझ गए? दीक्षा 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 दीक्षा।